चीन में कोरोना की अब तक की सबसे घातक लहर आई है, जिससे चीन घुटनों पर आ गया है। जो चीन अपनी ताकत का ढिंढोरा पीट रहा था, आज उसी चीन की ऐसी हालत हो गई है कि भारत को भी उस पर तरस आ गया है, जिसके बाद भारत चीन की मदद को आगे आया है। ये मदद चीन को दिखा रहा है कि भारत की असली ताकत क्या है, इसके साथ ही भारत की फितरत क्या है। जिस चीन ने भारत पर हमला करने की जुर्रत की, आज उस चीन की मदद को कोई आगे नहीं आया सिवाय भारत के। चीन में कोरोना की ऐसी स्थिति हो गई है कि हर दिन लाखों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं और अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं दवाओं की भी किल्लत हो गई है। ऐसे में अब अपने पड़ोसी देश को मुसीबत में देखकर भारत एक बार फिर से मदद को सामने आया है, जहां अब भारत ने चीन में दवाएं भिजवाने का फैसला लिया है। इस बारे में भारत के दवा निर्यात निकाय के अध्यक्ष ने 22 दिसंबर को कहा कि दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से एक भारत ने कोरोना से जूझ रहे चीन की मदद करने का फैसला लिया है। भारत चीन को बुखार की दवाएं देने के लिए तैयार है। बता दें, चीन में कोरोना की लहर आने से वहां दवाओं की भारी किल्लत हो गई है, जहां डिमांड पूरी करने के लिए दवा कंपनियों में ओवर टाइम कराया जा रहा है। चीनी सरकार ने बुखार, बदन दर्द और सिर दर्द की दवाई फ्री में देने का ऐलान किया है। इसी बीच भारत ने भी चीन को बुखार की दवाई भेजने की इजाजत दे दी है। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन शाहिल मुंजाल ने राइट्स को बताया, इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल दवा बनाने वाली कंपनियों के पास चीन से ऑर्डर आ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, चीन में इस समय इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल की भारी डिमांड है, वहां लोग इन दवाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की मदद करने के लिए भारत तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम चीन में कोविड की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। चीन को दवा भेजने के सवाल पर उन्होंने कहा, हमने दुनिया के फार्मेसी के रूप में अन्य देशों की हमेशा मदद की है। खबर तो ये भी है कि चीन के बाजारों में एंटीवायरल दवाओं की भारी किल्लत मच गई है। इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल जैसी एंटीवायरल दवाओं की कमी की वजह से अफरा तफरी मची हुई है, जिसके कारण चीनी सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों की रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन के लोग अब उन दवाओं को खरीद रहे हैं जिन्हें चीन में बेचने की इजाजत नहीं है। इसके लिए चीनी ऑनलाइन स्टोर्स का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा इससे चीन के लोग इतने भड़के हुए हैं कि उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही श्री जिनपिंग के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। चीन के लोगों का कहना है कि जिनपिंग कोविड पॉलिसी में पूरी तरह फेल हो चुके हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि प्रदर्शन की आवाज दबाने के लिए भी जिनपिंग पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोरोना को लेकर फिलहाल भारत भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि साल 2019 में दिसंबर महीने में ही चीन में कोरोना वायरस नाम की नई महामारी ने दस्तक दी थी और उसके बाद पूरी दुनिया में इस वायरस ने तबाही मचाई थी। ऐसे में भारत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है और इसलिए भारत अभी से ही सतर्क है।